सचिव मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी और स्पाइस जेट के सीएस पवन। सर्वप्रथम तो रामलला की नगरी में आज आठ उड़ानों से देश के अलग अलग जगह से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। मुझे तो लगता है कि ये एक शुरुआत है, क्योंकि जिस प्रकार से सब लोग ललायत हैं रामलला के दर्शन के लिए, अभी और ज्यादा उड़ानों की जरूरत पड़ेगी और सभी एयरलाइन को इससे ज्यादा मेहनत करके संपर्क स्थापित करने का कार्य करना पड़ेगा। एक मैं इसके लिए स्पाइस जेट को बधाई देना चाहूंगा। उसके बाद इन्होंने आज आठ अलग अलग रूट की फ्लाइट जो है इसका पूरा आयोजन कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में ये जैसे जैसे यात्री और मिलेंगे इन फ्लाइट के अंदर और इजाफा होगा। आशा है कि रामलला के दर्शन के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे कि लोगों को पहुंचने में मुश्किल आता है। बहुत बहुत सबको धन्यवाद इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी, जिनकी एक दूरगामी सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहभागी, मेरे राज्य मंत्री आदरणीय जनरल डॉक्टर बी के सिंह साहब, हमारे अयोध्या फैजाबाद के सांसद जिनका एक बहुत पुराना जनसेवा का इतिहास है लल्लू सिंह साहब, हमारे मंत्रालय के संयुक्त सचिव असन बंधु बाव साहेब, स्पाइस जेट के हमारे संस्थापक अजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हमारे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर साहेब, हमारे सीएस पलानी जी स्पाइस जेट के प्रतिनिधि और वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे नागरिक। अयोध्या एक सामान्य गंतव्य नहीं, अयोध्या वो गंतव्य है जिस गंतव्य के साथ 140 करोड़ देश की जनता की आस्था और विश्वास और सपना और संकल्प केवल नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में जितने राम भक्त हैं, लेओस और कंबोडिया से लेकर फ्रांस, इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, इन सभी लोगों की आस्था हमारे रामलला की जन्मभूमि अयोध्या के साथ जुड़ी है। और जो इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है, इन सभी करोड़ों 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 लोगों का सपने को अपना संकल्प बनाया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक क्रांति अयोध्या में लाई, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनके साथ मेरा एक प्रवास करने का एक मुझे मौका मिला, अवसर मिला करीब डेढ़ दो महीने पहले, और जो अयोध्या नगरी का चौड़ीकरण, स्वच्छताकरण, विस्तारीकरण उन्होंने अपने नेतृत्व में किया है, वे स्वतः काबिल तारीफ,
मैं बधाई देना चाहता हूं। आज अयोध्या नगरी एक प्राचीन नगरी होते हुए भी एक आधुनिक नगरी बन गई, और उस संरचना के आधार पर नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नए हाईवेज, और आज इस कार्यक्रम में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जय राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे का। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आज पूरे विश्व के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली के आधार पर अयोध्या पूरे विश्व के समक्ष। अयोध्या में जो एयरपोर्ट की लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ है, इसका आकार एक मंदिर के स्वरूप में ही बना है। प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कि हमारा विमानतल पहला दृश्य होता है उपभोक्ता के लिए उस शहर के परिचय का, और इसलिए वो विमानतल भी उस शहर की संस्कृति और संस्कार का रूप लेना चाहिए, और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी बहुत सहायता रही। स्पष्ट रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने अनेक तरीके के पूरे देश के कला संस्कृति को उसमें संयोजित किया है। भगवान प्रभु श्री राम की जन्म पूर्ण यात्रा के रूप में, और उसी के साथ जो एक कनेक्टिविटी, आज मैं कहूंगा कि अजय सिंह जी ने एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के पुष्पक विमानों का बौछार कर दिया। एक ही दिन में 7 दिन की कनेक्टिविटी मुंबई चेन्नई, 6 दिन की कनेक्टिविटी दिल्ली और अहमदाबाद, 4 दिन की कनेक्टिविटी जयपुर, पटना, दरभंगा और बंगलुरु, और इसके पहले दिसंबर को ही आपने विमान चलाया था, इंडिगो ने 3 शहरों के साथ जोड़ दिया है, दिल्ली अहमदाबाद और मुंबई, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली बंगलुरु और कोलकाता के साथ जोड़ दिया है। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी एयरलाइन देश में नहीं बचेगा जिसका अयोध्या धाम में कनेक्शन नहीं होगा। एयरलाइन अपनी कनेक्शन अयोध्या धाम के साथ आने वाले दिनों में ही करेगी। आज के दिवस पर मैं अजय सिंह जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में इतनी विस्तार की कनेक्टिविटी देकर हम सबको पूर्ण रूप से मंगलमय कर दिया था, और आज इस कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द ही जो आपने और हमने चर्चा की थी 10 एयरपोर्ट अब यूपी में बन चुके, 6 एयरपोर्ट थे, 5 एयरपोर्ट थे केवल 2014 तक, आज डबल हो गया, और अगले कुछ दिनों में आपके साथ मिलकर आपके सहायता के आधार पे ही 5 नए एयरपोर्ट्स पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। उसकी तिथि भी आपके साथ बैठकर निर्धारित हम करेंगे। चित्रकूट, श्रवस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद, ये 5वें एयरपोर्ट तैयार हो जाएंगे तो यूपी की संख्या 15 तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद जेवर में तैयारी हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक हमारे यूपी के 16 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जो अपने आप में किसी प्रदेश का रिकॉर्ड है। तो आज के दिन पर जहां यूपी के विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आपकी जो पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसमें आप दोनों के आशाओं के अनुरूप हमारा विभाग कार्य कर रहा है, आज के दिवस पर अजय सिंह जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश ना सिर्फ उत्तर प्रदेश कहलाता है, लेकिन एक्सप्रेस प्रदेश कहलाता है।
चाहे वो हो रिलीजियस टूरिज्म, इंडस्ट्री मूवमेंट या वो आगे बढ़े हो, इनके मार्गदर्शन से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का कुछ इस तरह। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए वे हम सभी को संबोधित करें। प्रभु श्री रामलला की पावन धरा अयोध्या धाम को देश के 8 नए डेस्टिनेशन के साथ जोड़ने के आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली में उपस्थित माननीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और विभाग के अन्य अधिकारीगण, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन स्पाइस जेट लिमिटेड से अजय सिंह जी, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश शासन से एसपी गोयल जी, मुख्य सलाहकार स्पाइस जेट श्री सीएस पलानी जी और अयोध्या धाम में उपस्थित सभी महानुभाव। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश जिसके कारण आज देश के अंदर एक तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर को दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से जोड़ने के लिए 8 ऐसी फ्लाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। दिल्ली अयोध्या के बीच में, चेन्नई अयोध्या के बीच में, अहमदाबाद अयोध्या के बीच में, जयपुर अयोध्या, अयोध्या पटना, अयोध्या दरभंगा और अयोध्या मुंबई तथा अयोध्या बेंगलुरु के बीच में, जिन्हें स्पाइस जेट प्रारंभ करने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए अयोध्या से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। 30 दिसंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम के इस नए एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अभी एक माह ही हुआ है, लेकिन इस एक माह के दौरान अयोध्या की कनेक्टिविटी देश के इतने महत्वपूर्ण नगरों के साथ होना, यह अयोध्या के बेहतर भविष्य और आने वाले समय में अयोध्या के अंदर टूरिज्म में क्या स्कोप है, इन संभावनाओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है, जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को
हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बात सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है। और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा, और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है। 22 जनवरी का कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, प्रभु तो सर्वसर्वव्यापी हैं, लेकिन यह वास्तव में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वह एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो 2047 तक भारत को दुनिया को एक दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेगा। और मेरे लिए आस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे उत्तर प्रदेश को देश की आबादी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, उस देश से अयोध्या का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है पिछले 10 दिन के अंदर अयोध्या में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक प्रभु रामलला के दर्शन किए हैं। एक अद्भुत स्थिति है, अलौकिक है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और यह तब है जब अभी तक सरकार ने बहुत सारी चीजों को रोक करके वहां पर हम लोग श्रद्धालुओं को आने दे रहे हैं जिससे कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस लायक है कि हम एक साथ अयोध्या धाम में 50 से लेकर के 1,00,000 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने की सामर्थ्य वहां पे आज अयोध्या रखती है। और हम लोग रामनवमी को इसी प्लान को बना करके चल भी रहे हैं। लेकिन एयर कनेक्टिविटी में जो बेहतर कदम उठाया गया है, सचमुच यह प्रधानमंत्री जी के विजन को माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जनरल वीके सिंह जी ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, आज उसकी परिणति है कि अयोध्या में तेजी के साथ वायु सेवा का विकास हुआ है। और 5 जगहों पर पहले से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन आज 8 नई वायु सेवा को प्रारंभ करके करने का जो कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 7 आज सेवाएं आज होंगी, 1 कल से शुरू होंगी। मैं इसके लिए स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड CMD श्री अजय सिंह जी को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अयोध्या को इतनी प्राथमिकता दी है। और मेरा उनसे इस बारे में जरूर अनुरोध होगा कि अयोध्या की सेवाएं हमारे लिए अभिनंदनीय हैं, ये स्वागत योग्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भी सेवाओं को इसी प्रकार से मजबूत बनाने में स्पाइस जेट लिमिटेड को योगदान देना होगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जितनी सेवाएं आप दे पाएंगे आपकी हर फ्लाइट पूरी होकर के जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं भी देख रहा था मुंबई के लिए, दरभंगा के लिए, आज की जो आपके पटना के लिए, यानी मुंबई के लिए जो आपकी फ्लाइट है, या जयपुर के लिए, या अहमदाबाद के लिए, या दिल्ली के लिए, ये सभी पूरी भरी हुई है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या के साथ साथ हर एयरपोर्ट से आपको इसी प्रकार से पूरी फ्लाइट भरी हुई दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपने आप में एक 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की स्वयं की है और उत्तर प्रदेश के हर एयरपोर्ट वाले क्षेत्र में आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के टूरिस्ट भी मिलेंगे और निवेशक भी मिलेंगे जो अपने बेहतरीन गंतव्य तक पहुंचने के लिए वायु सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। और राज्य सरकार इस मामले में अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को 8 सेवाएं अयोध्या धाम से एक साथ प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। लल्लू सिंह जी को जो वहां के माननीय सांसद हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अयोध्या से इतनी फ्लाइट चलेंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि लल्लू सिंह जी अयोध्या से लखनऊ आते थे, फिर लखनऊ से फ्लाइट मिल जाती थी तो ठीक है, अगर क्षेत्र में व्यस्त हो गए तो फिर उनको ट्रेन में जैसे तैसे बैठ करके दिल्ली जाना होता था। लेकिन अब तो अयोध्या से इतनी फ्लाइट हो गई है और आने वाले समय में जैसे कि माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, अयोध्या से इतनी फ्लाइट हो जाएंगी कि लखनऊ से भी ज्यादा फ्लाइट अयोध्या से चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब तो लल्लू सिंह जी के लोग सिफारिश करेंगे कि हम लोग आना चाहते हैं, थोड़ा दर्शन कराने की व्यवस्था करवा दीजिए, दर्शन करवा करके फिर हम लोग अपनी फ्लाइट भी पकड़ लेंगे। तो लल्लू सिंह जी के दोनों हाथों में लड्डू हो गए कि दर्शन कराने का भी उनको पुण्य मिलेगा और लोगों को अन्य प्रकार से वहां से अयोध्या से विमान, यानी वह कल्पना हजारों वर्ष पुरानी जो प्रभु राम ने श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा पूरी करके रामराज्य की स्थापना की आधारशिला रखी थी, उस परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिल जाएगी। मैं एक बार फिर से माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और स्पाइस जेट की इस 8 नई सेवाओं के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।